कानपुर स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जब आप इस स्टेशन की स्थिति देखेंगे तो नहीं लगेगा कि ये ए ग्रेड का स्टेशन है। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, चाहे डीआरएम आ रहे हो, जीएम आ रहे हो, तो यहाँ के तमाम अधिकारी, चाहे वो आरपीएफ हो, जीआरपी हो, रेलवे प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। जगह जगह साफ सफाई होना शुरू हो जाता है, आरपीएफ जीआरपी के जो जवान हैं वो जगह जगह पर मुस्तैद हो जाते हैं, और इसका भुक्तभोगी होना पड़ता है आम जनता को। आम जनता को उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो तरह तरह के नियम कानून लगाने लगते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, वीआईपी मूवमेंट के अलावे अन्य दिनों की स्थिति क्या होती है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिनमें आप साफ देख रहे हैं कि एक सांड जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर घुस आया है, और ये सिर्फ आज ही नहीं, ये लगातार जो वहां के मौजूद लोग हैं जो लगातार आना जाना करते हैं, और ये आज जब लोकल का समय है 9 से 9:30 के बीच के समय में ये सांड यहाँ घुसा है। जो डेली पैसेंजर टाइप के लोग हैं, जो प्रतिदिन यात्रा करते हैं, यहाँ से देवघर तक जाते हैं, उनका कहना है कि ये बीच बीच में प्रतिदिन किसी न किसी समय आ ही जाता है। आखिर क्या करती है सुरक्षा व्यवस्था रेलवे प्रशासन की? क्या जब आपके बड़े अधिकारी आएंगे तभी आप एक्टिव रहेंगे? विगत दिन डीआरएम आसनसोल मधुपुर पहुंचे थे, उनको लेकर के पूरा वीवीआईपी मूवमेंट तेज था, लेकिन उस समय आम लोगों के साथ, शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार आरपीएफ के जवानों के द्वारा की गई, जिसे कोई भी देख करके आरपीएफ पर शर्मिंदगी जाहिर करता है। वहां मौजूद कुछ प्रेस के लोगों ने भी इसको लेकर के अपनी शर्मिंदगी जाहिर की और आरपीएफ वालों को चेतावनी तक दी कि आप अपनी हरकतों से बाज आएं, आप आम जनता के सेवक हैं न कि उनके मालिक, आप उन पर रौब नहीं जमा सकते हैं, आपको काम करना है। लेकिन उनकी हरकत क्या है आज ये आप इन तस्वीरों से देखें कि एक सांड प्लेटफॉर्म पर घुस गया है और वो उससे देख करके यात्री डर कर भाग रहे हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले पूर्वी सिग्नल के पास 2 गायें रेलवे पटरी पर कट गई। रेलवे का 4 दीवारी टूटा हुआ है, ना तो इसकी खोज खबर रेलवे प्रशासन को है। आखिर किस प्रकार से हम रेल परिसर को सुरक्षित रखें, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करें, उनसे किन्हीं को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना हैवॉक किस तरह से क्रिएट किया जा सके, आम पब्लिक पर किस प्रकार से दबाव बनाया जा सके, इसके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं।